तो चलिए, बहुत दिनों के बाद ना आज मेरे घर में ये छोटे वाले बैगन मिला है और ऑनलाइन मंगाए हैं। बहुत दिनों के बाद आया है और ये ना आज बनाने वाले हैं मसाला भर के भरवा बैगन, जो मेरे को बहुत पसंद है। इसको पराठा पूड़ी के साथ खा सकते हैं, झाजी को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको ना हम दो तरीके से बनाते हैं, तो आज एक तरीका जो बनाएंगे वो शेयर करेंगे। तो यहाँ पे सारे बैगन को वॉश कर लिए हैं, वॉश करने के बाद पोंछ लिए अच्छे से, पोंछने के बाद कट लगा दिए हैं चार भाग, समझे। कट लगाने के बाद उसको फ्राई कर लिया और फ्राई करने के बाद यहाँ पे मसाला लिए हैं। मसाला में जैसे कस्तूरी मेथी है, सारे मसाले जो आपको पसंद है, साथ में चाट मसाला ये ऑप्शनल है, धनिया पत्ता लिए हैं और फ्राइड किया हुआ ओनियन, मस्टर्ड, उसके बाद जो मसाला आप यूज करते हैं, गरम मसाला, चाट मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सारे मसाले जो अपने पसंद का सब डाल के, उसका योगर्ट दही डाल के इसको मसाला को मिक्स करेंगे अच्छे से। नमक तो भूल ही गए थे, नमक भी तो देना बनता है। और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद जो बैगन हम फ्राई करके रखे हैं ना उसमें भरेंगे। और इसमें ना कस्तूरी मेथी का ना क्वांटिटी भी ज्यादा रखे हो, बहुत अच्छा उम्दा टेस्ट आता है। और इसमें अगर थोड़ा सा सौंफ का पाउडर पीस के डाल दीजिएगा, हाय उसके बाद क्या स्वाद आता है ना ये वाले बैगन का, मत पूछिए। यहाँ पे सारा बैगन देख सकते हैं, मसाला अंदर फिल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप करना है कि पैन गर्म करने हैं। पैन गर्म करने में जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद इसमें और कुछ भी नहीं डालना, आपको प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि हम फ्राइड ओनियन ना थोड़ा सा ना दिए थे, इसमें कोई भी चीज नहीं देना है। और जो मसाला बचा हुआ था ना उसको पहले डाल देंगे, इसको हल्का सा भून देंगे और इसमें ऐड कर देंगे पानी। जब पानी हमारा बॉइल्ड होगा ना, तो जो मसाला बैगन बना के रखे हैं उसको ऐड करना है इसमें। बाकी आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है, कोई भी ऊपर से आपको प्याज टमाटर कुछ भी नहीं देना है। और इतना अच्छा ना ये बैगन बन के तैयार होता है ना, वह इसके साथ आप पूरी पराठा कुछ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। और सबसे ज्यादा इसमें जो कस्तूरी मेथी और सोप का फ्लेवर रहता है ना, ये चार चांद लगाते हैं ये हमारे भरवा बैगन का। तो चलिए, इसमें पानी अपना क्वांटिटी से थोड़ा ज्यादा दे देंगे, क्योंकि इसको ना अभी बॉयल करना है लो फ्लेम पे 20 मिनट तक। थोड़ा सा ना ग्रेवी थिक होने देंगे, तब तो अच्छा लगेगा ना, खाने में मजेदार लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या मस्त बुलबुला हो रहा है ना, ये देखो, ये ना ये जो सारे मसाले में पका हुआ ना तो इतना टेस्टी है। और इसका ग्रेवी दिखने में, हाय ये देखिए मुंह में पानी आ रहा है ना। नहीं बनाए तो एक बार बना के देखिएगा, इतना टेस्टी लगेगा ना कि भाई अपने आप का रोक नहीं पाइएगा, समझे। कैसा लग रहा है बताइए। ये एक तरीका है, नेक्स्ट टाइम हम दूसरा तरीका शेयर करेंगे।